यूथ की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले लें जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, दे आर अबव 50s 60s, ठीक है, दे हैव दे कंट्रीब्यूट देयर टाइम एफर्ट्स मनी शेयर द मनी एज वेल, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइक डिजास्टर रिलीफ है, फ्लडिंग है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इश्यूज अब चल रहे हैं, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए यूथ की जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और यूथ इज आर फ्यूचर लीडर्स, दे आर एक्चुअली आर फ्यूचर लीडर्स जिन्होंने रन करना है इन ऑर्गेनाइजेशंस को। आप जो लोग इन्वॉल्व हैं दे आर फॉर सर्टन पीरियड्स, लेकिन आगे जो लेके चलना है यही लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस नहीं है इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। यूएन है या रोटरी इंटरनेशनल है, पता है नाम से उनकी वाकफियत है, दे नो अबाउट यूएन एंड रोटरी, लेकिन इसमें कैसे इन्वॉल्व होना है, कैसे इन्वॉल्वमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, एज अ मेंबर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट, इसके बारे में अवेयरनेस के लिए अभी काम करना बाकी है ताकि लोग इसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि आगे इन्हीं लोगों ने यूथ ओवरऑल। वैसे क्या आप कैसे देख रहे हैं कि रुझान क्या है, यूथ इंटरेस्टेड है यूथ या वो ज्यादा काम करना चाहते हैं आईटी में या किसी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, क्या आप देखते हैं? देखें यासर, जहां तक बात है यूथ की, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, बल्कि अभी कुछ यूनिवर्सिटीज ये वो स्टूडेंट्स दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, दे हैड मीटिंग विद मी कि हम जी आपके साथ वॉलंटियर काम करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दे आर एक्चुअली डूइंग देयर स्टडीज एंड ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल। तो ये कि इन्वॉल्वमेंट से जाहरी बात है आप एक सर्टन टाइम के बाद यू कैन ज्वाइन एज एम्प्लॉय एज वेल, ठीक है, मकसद तो आपका यही होता है। इफ आपके अंदर अगर सोशल वर्क का है थोड़ा काम करने का, आप देखें हर बंदा अपने लिए तो सभी लोग काम कर रहे हैं और करता है बंदा, लेकिन ये कि दूसरों के लिए काम करना, ठीक है, उससे एक अल्लाह भी खुश होगा आपसे डेफिनेटली। और ये कि आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई है, लाइक आई एम वर्किंग, आई एम गेटिंग सैलरी एंड एवरीथिंग, ठीक, और साथ में मैं खिदमत भी कर रहा हूँ, तो ठीक है। हर बंदे का पढ़ लिख के भी यही होता है कि उसको जॉब मिल जाए, उसको अच्छा एक जो है सैलरी मिले एंड सम अमाउंट, और फिर ये कि और इसमें फिर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक कॉन्फ्रेंसेज हैं, इवेंट्स हैं, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको जाने का मौका मिलता है, पूरी दुनिया घूमते हो, अवेयरनेस आती है और आपकी स्किल्स जो है पॉलिश, एक लीडरशिप स्किल्स जो है पॉलिश होती है। तो ये काफी यूथ की इन्वॉल्वमेंट आई थिंक इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल इफ दे ज्वाइन अस, तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटी, और हम होपफुल हैं, हमारा जो यूथ है वो भी इंटरेस्ट ले रहा है, बाशऊर यूथ है, वो ये समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और वो इस तरफ आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अब ट्रेंड है, बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि आई हैड मीटिंग्स विद मेनी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल और करंटली वर्किंग इन पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत इंटरेस्टेड है अब इस किस्म के कामों में, कि वो सोशल वर्क एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, इन स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट उनकी हो, इनमें काम करें, इवन दे आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग एज अ वॉलंटियर एज वेल। कहते हैं जी वॉलंटियर्स हमसे काम लें आप, ठीक है, सर्टन टाइम के बाद अगर आप इंप्लॉय भी हमें परमानेंट करना चाहें, इंप्लॉय करना चाहें, इज अप टू यू। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए, अब आप प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह अपने इस डिस्ट्रिक्ट के, इसके बाद अगला स्टेप क्या है पर्सनल, अगर गोल्स की भी हम बात करें, बिकॉज नॉर्मली हमने ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है कि प्रेसिडेंट के बाद रिटायर हो जाता है इंसान, तो आपने तो अभी मतलब शुरू किया है, अभी तो शादी भी नहीं हुई, सो क्या प्रेसिडेंसी के बाद आप भी रिटायर हो जाएंगे या क्या इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? एक्चुअली रोटेरियन फर्स्ट ऑफ ऑल दे ज्वाइन एज अ मेंबर, ठीक है, तो वो एक आपकी कंट्रीब्यूशन रहती है। आप प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट नॉट फॉर वन ईयर, आप दोबारा से आ सकते हैं फॉर 5 years 10 years फॉर लाइफ, ठीक, यू कैन स्टे एज प्रेसिडेंट। तो ये कि अगर नहीं है तो फिर आप सीनियर, ठीक है, दूसरों को भी आप जो उसमें लोग आते हैं प्रेसिडेंट और भी लोग आते हैं, तो फिर आप मैनेजमेंट है उसको आप सारे को हैंडल करते हैं इश्यूज को, लेकिन आपकी एक इन्वॉल्वमेंट उसमें रहती है। ठीक ठीक, सो आप क्या देख रहे हैं, व्हाट आर योर पर्सनल गोल्स अभी आगे? मैं तो यासर जो अभी देख रहा हूं कि हमारे कंट्री में एक तो एजुकेशन सेक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, ये तो हो गया ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हो गए, व्हाट आर योर ओन पर्सनल गोल्स 5 years डाउन द रोड, आप क्या करना चाहते हैं पर्सनली? आप देखिए यार, मैं इसी में काम करूंगा, ओके, ठीक है, मैं इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में काम करूंगा और इंशाल्लाह ताला इसमें काम होता रहेगा। जबरदस्त जबरदस्त खवाजिन आजाद, इस तरह का ये भी, अगर हम अभी यूथ की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं तो शाहिद नदीम ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आ यूथ, अभी अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि जी आप बड़े हो गए हैं बहुत, तो बच्चों को कोई पैगाम दें
میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی ہوگی شاہد صاحب کے ساتھ بھی. ہی آلسو ریپرزینٹس یوتھ آف آر کنٹری اور ماشاءاللہ ان کے جو عزائم ہیں ان کو دیکھ کر سن کر بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ انشاءاللہ اب صحیح ڈائریکشن پر ہے اور ہم ضرور اپنے چیزیں بھی ٹھیک کریں گے لوکلی بھی اور انٹرنیشنل سین پہ بھی. ہم پاکستان کو انشاءاللہ ایک مقام دلائیں گے, ہماری ریپرزنٹیشن ضرور ہوگی. مختلف پروجیکٹس کے بارے میں بھی ابھی آپ مجھے بریک کے دوران بتا رہے تھے تو وہ بھی ذرا بتائیے جو ایجوکیشن کے حوالے سے روٹری انٹرنیشنل کے. جی یاسر, اس میں روٹری انٹرنیشنل جو ہے اس میں اسٹوڈنٹس کو ہم جو نان روٹیرینس ہیں آلموسٹ کوئی 1000 کے قریب 1000 کے قریب جو ایوری ایئر اسکالرشپس دیے جاتے ہیں, موسٹلی پریفر ڈیولپنگ جو کنٹری ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں سے سلیکشن کی جائے. صحیح, کیونکہ ڈیولپ جو کنٹری ہے دے کین افورڈ اور موسٹ آف دی کنٹری دے آر فری ایجوکیشن, ٹھیک ہے, ان کو ایسا اتنی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی سلیکشن جو کرائیٹیریا وہ موسٹلی یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں کے لوگوں کو جو ہے اسٹوڈنٹس کو سلیکشن کیا جو آلموسٹ 1000 کے قریب جو ایوری ایئر اس میں اسکالرشپ دیے جاتے ہیں. پھر روٹری کے اپنے جو ہیں روٹری سینٹرز ہیں آل اوور دی ورلڈ 7-8 روٹری سینٹرز جہاں پہ پیس اینڈ کنفلکٹ اسٹڈیز کے اوپر جو ہے ماسٹر ڈگری کروائی جاتی ہے. اچھا, اور پھر اس میں جو تھائی لینڈ میں ایک روٹری سینٹر ہے پیس اینڈ کنفلکٹ, وہاں پہ شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں اباؤٹ پیس اینڈ کنفلکٹ, 3 months کورس جو کہ روٹیرینس کو نان روٹیرینس کو وہاں پہ کروایا جاتا ہے. اچھا, تو یہ پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, بہت ہی آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ بڑی زبردست ہو رہی ہے کیونکہ